सबसे पहले शुरू करते हैं इस घड़ी से। देखने में तो बहुत काली, पीली, पुरानी, नीली लग रही है ये, लेकिन मियाँ बताएंगे ये घड़ी किसने दी है। मियाँ, ये मुझे एक लड़की ने दी थी, मैं तुम्हें दे दी। ये घड़ी पहला गिफ्ट है जो मियाँ ने मुझे दिया था। ये क्या जवाब दिया है, यही फेंक के मारूं मैं? हाँ फेंक दे। मियाँ भाई सही से बताओ, हम आहिस्ता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ना शाहजब सो रहा है। मुझे याद ही नहीं है, चलो ये तो बताओ कब दी होगी। पता नहीं मैंने कब दी थी, 2009-10 में दी। कोई 9-10 में नहीं, मैट्रिक के मैंने किया 2013 में, इन्होंने 9-10 में दे दी। ये घड़ी है, पहला गिफ्ट है, ये मियाँ ने मुझे दिया है, मैंने संभाल के रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर होंगे, बाद होंगे, अल्लाह ताला सबको इसी तरह खुश होकर हम रखें। दिस इज़ योर फरियाल एंड आई फ्रॉम अहमदाबाद, पाकिस्तान। आज के व्लॉग में आप सबका वेलकम है। आज का व्लॉग है एक आयशा नाम की लड़की है जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस कर रही थी 2-3 दिन से कि आप भी आप व्लॉग बनाएं, व्लॉग बनाएं। मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, तो उसने कहा कि बहुत सारे ऑप्शन बताए कि इनमें से कोई एक बना लें। मैंने कहा ठीक है, तो फिर उसने कहा ज्वेलरी कलेक्शन पे बनाया। मैंने कहा मेरे पास इतनी ज्वेलरी नहीं है कि मैं क्या कलेक्शन दिखाऊं। कह रही बस जो भी है ना आप ज्वेलरी कलेक्शन पे बनाएं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आयशा की रिक्वेस्ट पे जो है ये आज का व्लॉग बन रहा है, तो आप सब जो है जाना सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। और ये जो भी मेरी छोटी सी ज्वेलरी की कलेक्शन है ये सारी आर्टिफिशियल है, गोल्ड के जो है वो मैं अपनी शादी की पिक्चर लगाऊंगी, उसमें जो भी मैंने पहना हुआ है वो सारा गोल्ड है, बाकी उसके अलावा ये जितने भी हैं सब आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है। ये फाइनली इनकी वेबसाइट हो गई है, $22 आज के इनके अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं तुमने यूट्यूब पे क्या किया। तो भाई नाजरीन प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करो, ये नहीं मुझे चिढ़ा रहा है इंसान। तो नाजरीन मेरे पीछे जो ठक ठक की आवाज़ आ रही है उस आवाज़ को आप इग्नोर करेगा क्योंकि घर बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये आवाज़ें आती रहती हैं सुबह से लेकर पूरी मगरिब तक। और ये जो अभी मैं अंगूठियाँ दिखा रही हूँ एक एक नग वाली, ये वो अंगूठियाँ हैं जो कि यूनिवर्सिटी के ज़माने में मियाँ ने मुझे गिफ्ट दी थी, और वो सारी भी मैंने एक छोटे से डिबिया में सेव करके रख ली हैं अपने पास, जैसे कि मैं म्यूज़ियम बनाऊँगी उसमें लगाऊँगी कि ये इस ज़माने की अंगूठी, ये इस ज़माने की घड़ी, उस ज़माने का कंगन। इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें सेव करके रखी हुई हैं। तो फिर अब हम चलें कमेंट पढ़ते हैं, आप लोग ज्वेलरी भी देखते जाएं और मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं किया। मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करती, आप भी मैं आपसे नाराज़ हूँ ये वो, तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, मैं अब कर देती हूँ कमेंट का रिप्लाई। तो शाहजेब के हवाले से कमेंट आया हुआ था कि शाहजेब के दांत आने स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, शाहजेब के नीचे वाले 2 दांत निकल आए हैं, वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं, फील भी होते हैं, पूरे नहीं निकले, आधे निकल आए हैं। और ये जो ब्लू कलर के लंबे लंबे मुंदे ये भी मियाँ ने मुझे दिए थे किसी ज़माने में, लेकिन मैंने आज तक पहने ही नहीं है, मुझे इनको भी मैंने सजा के अपने पास सेव करके रखा हुआ है। व्लॉग कंटिन्यू है, व्लॉग में आप देखते जाएं ज्वेलरी कलेक्शन छोटी मोटी सी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। अगला कमेंट ये था कि आप आपके व्यूज़ क्यों कम हो गए चैनल के, बहुत 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 ज़्यादा कम हो गए। तो उसका रीज़न ये है कि मैंने व्लॉग्स बनाना बहुत कम कर दिए हैं, एक दिन भी अगर आप व्लॉग बनाना छोड़ देते हैं तो आपके चैनल के व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, और मैंने तो पूरा पूरा हफ्ता व्लॉग नहीं बनाया, इस वजह से यह हुआ है कि मेरे व्यूज़ बहुत 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 ज़्यादा डाउन हो गए हैं। अगला कमेंट पढ़ते हैं, अगला कमेंट है कि आप भी आप लड़का ना आई थी लेकिन आप मुझसे नहीं मिली। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तब तो मैं अपनी नंद के घर गई थी, सेकंड टाइम मैं किसी के भी घर नहीं गई हूँ, बस बाइक जिनसे ली उनको बाइक वापस की और उसके बाद मैं वापस आ गई हूँ। सेकंड टाइम जब मैं गई हूँ तो इंटरव्यू के टाइम बहुत 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 ज़्यादा परेशानी हुई थी, उन्होंने सुबह का टाइम दिया था और शाम में जाके इंटरव्यू लिया, 9 बजे का टाइम और शाम के 5 बजे इंटरव्यू लिया, उसके बाद गर्मी है इसी लाड़काना में, आप लोगों को तो पता होगा जो लाड़काना के रहने वाला है, तो मेरा जो भी हाल बाकी था ना वो सब ख़त्म हो चुका था उस गर्मी में, इसलिए ना मेरा किसी से मिलना हुआ ना मिलाना हुआ। इंशाल्लाह आप दुआ करें कि मेरी सिलेक्शन हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी। ठीक है, तो अगला कमेंट पढ़ने से पहले, अगला कमेंट सुनने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ये 3 काम जल्दी से कर लें। नाजरीन तो अगला कमेंट है महविश का कि शाहजब कौन सा हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, शाहजब पैदा हुआ था हाजीगंज हॉस्पिटल में हैदराबाद में। और एक और कमेंट है इनका ही कि शुएब भाई आपकी कास्ट कौन सी है, तो मियाँ की कास्ट है भुट्टो। और नाजरीन अगला कमेंट है अंबर मुइन का कि आप अपनी अम्मी की तरफ बहुत कम जाती हूँ, ऐसा नहीं है मैं अपनी अम्मी की तरफ जाती हूँ लेकिन मैं वहाँ पर व्लॉग्स नहीं बनाती इसलिए आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं कब गई और कब वापस आ गई। तो अगला कमेंट मैंने कम्युनिटी में एक वेबसाइट की लिंक शेयर की थी कि उस पर ऑनलाइन अर्निंग होती है, तो उस हवाले पर आया हुआ था कि ये फेक होता है, नहीं फेक नहीं है, मैंने अभी इस क्लिप में भी आपको दिखाया आज के ब्लॉग में कि मियाँ अर्निंग करने में मैंने वेबसाइट बनाई है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसकी एक बार फिर से लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फेक नहीं है, रियल होता है, बस काम करना आना चाहिए।
तो अगला कमेंट सवेरा का है कि वाकई तुम मोटी हो गई हो फरियाल। तो इस बार मैं इस कमेंट से एग्री करती हूँ, वरना हर बार मैं डिसएग्री करती थी। हाँ मैं मोटी हो गई हूँ, चलो क्या करें, खुशी से इंसान मोटा हो जाता है, भूल जाता है। अगला कमेंट है कि शाहजब क्रॉलिंग करने लगा या नहीं, मेरी बेटी 9 महीने की, लेकिन नहीं करती अभी। नहीं ऐसा नहीं है, शाहजब ने भी अभी तक क्रॉलिंग स्टार्ट नहीं किया है, और मुझे लगता है ये क्रॉलिंग 10 महीने का हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसके साथ का जो कज़न है यहाँ पर मेरी जेठानी का बेटा 5 महीने से बड़ा है, तो उसने भी 10 महीने के बाद से स्टार्ट की है। तो शाहजब के भी अभी तक तो कोई आसार नहीं लगते क्रॉलिंग करने के, मुझे यही लगता है, बस लेट के ये पूरा गोल गोल घूम के पहुँच जाता है, बाकी अभी तक घुटनों पर इसको खड़ा होना नहीं आया है क्रॉलिंग करने के लिए। तो मुझे अब यही अंदाज़ा है मेरा भी कि ये 10 महीने का हो जाएगा, 10वें महीने से शुरू करेगा क्रॉलिंग। अगला कमेंट है कि लड़का ना आप किस जगह पे गई थी टेस्ट देने, तो मोहनजोदड़ो की साइड पे है कैडेट कॉलेज में, वहाँ गई थी। मोहनजोदड़ो जाने का इतना दिल है, 2 बार मैं उसके सामने से गुजरी हूँ, लेकिन गर्मी इतनी होती है कि जिस मकसद के लिए मैं लड़काना जाती हूँ उस काम को ही पूरा करने में मैं पूरी हो जाती हूँ गर्मी की वजह से, फिर मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बाकी रहती कि मैं फिर मोहनजोदड़ो जाके घूमूँ या फिर कहीं मिलूँ किसी से। अगला कमेंट है कि अच्छी बात है आपने बेबी को गंजा करवा दिया, बेबी को गंजा करवाना चाहिए। नहीं वो तो ठीक है मियाँ ने गंजा कर दिया, लेकिन मियाँ ने से मैंने कहा कि ये बस अब लास्ट टाइम है कि जब मैंने शाहजब को गंजा करवाया, अब मैं शाहजब को गंजा नहीं करवाऊँगी, क्योंकि मुझे शाहजब बिल्कुल भी गंजपन में जो है ना सूट नहीं कर रहा है इसके ऊपर, तो इस वजह से मैंने कहा बस अब ये हो गया तो हो गया, अब नहीं होगा, अब ये बड़ा हो गया। अगला कमेंट है कि आपने शाहजब को वाकड़ में कब से बिठाया था, ज़्यादातर कमेंट्स या अल्लाह क्या हो गया पता नहीं मेरे पीछे। ये घर वाले मस्ती मजाक इनके चल रहे हैं। तो शाहजब के लिए हवाले से कमेंट होते ज़्यादातर कि शाहजब के दांत आए, शाहजब ने क्रोलिंग स्टार्ट की, शाहजब ने ये किया, या शाहजब का वॉकर में अगला कमेंट है कि कब से बिठाया था, तो मेरे ख्याल से मैंने 7वें महीने से इसको वॉकर पर बिठाना स्टार्ट कर दिया था। वॉकर तो मैं 6 महीने से ला के रख दिया था, लेकिन इसको तब उस टाइम पहली दूसरी बार में ऑब्वियसली इसको कहाँ से आएगा चलाना, 7वें महीने से ही चला रहा है, 7वां महीना पूरा इसने चलाया, 8वां अब चल रहा है, 8वां भी चलाया, अब ये 9 महीने का हो जाएगा माशाल्लाह से 26 को, तो ये चला रहा है वॉकर। तो अगला कमेंट है नाजरीन के भाभी आप बहुत अच्छी हो, शाहजब बहुत प्यारे, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। जी मुझे बहुत बुरा लग गया। तो व्हाट्सएप नंबर अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम बिल्कुल पब्लिक कर दें, व्हाट्सएप नंबर तो पर्सनल होता है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है faryal.shweb.official, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। अभी शाम के 7:22 हो रहे हैं और पीछे से धूम धड़क का आवाज़ें चल रही हैं, एक तरफ घर बन रहा है, एक तरफ मजदूरों की आवाज़ें, दूसरी तरफ बच्चों की चीखें, तीसरी तरफ बर्तनों की आवाज़ें आ रही हैं। जी नाजरीन और आयशा जिसकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाए थे, तो आपने देख ली कि मैं कह भी रही थी कि मेरी इतने कोई ख़ास बहुत ज़्यादा रेंज की कलेक्शन है तो नहीं, जो मैं दिखाऊं कुछ ही हैं, तो आपने कहा था फिर भी दिखाओ सारे दिखाओ, तो मैंने ये दिखा दी हैं सारी की सारी ज्वेलरीज, और थोड़ी बहुत मैंने मियाँ के ऊपर भी ट्राई कर करके दिखा दी है, मैंने मियाँ से कहा कि इतनी सूट कर रही हैं तुम्हारे पास। नाजरीन ये हो गई है मेरी पूरी ज्वेलरी कलेक्शन की वीडियो, और ये सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं, बाकी गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो मैं अपनी एक पिक्चर लगा देती हूँ शादी की, उसमें देख लें, उसमें जो जो भी पहना हुआ है वो गोल्ड है, बाकी घर में ये बालियाँ और चेन पहनी हुई होती है ये गोल्ड का, बाकी ये सब आर्टिफिशियल है। तो इस वाला काम हम कर देंगे पेंट, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।